के भी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। यहाँ पर हम भी ठीक है और जो कल स्टार्ट किया था ना उसके लिए ऑर्डर है सारा, मुझे लग रहा है कुल्चा करने के लिए ही है, दाल के लिए, दाल के लिए बहुत अच्छे अच्छे ऑर्डर हमें पहले दिन से, पहले दिन में इतनी उम्मीद नहीं थी जितना आया और ऐसे ही कॉल करेंगे आपको। और माता रानी का नाम लेके किया है तो ये उम्मीद रखते हैं कि कुछ भी ऐसा ना हो जो निराश होना पड़े, और अपने तरफ से तो पूरी कोशिश की है जो सारा कर रही थी। तो अभी इसको ना रात के बज रहे 12 बज रहे हैं और पूरे दिन मेहनत के बाद 12 बजे भी मेहनत करना पड़ रहा है, कोई भी काम बिना मेहनत के नहीं होता। और इसको पैक करेंगे और एड्रेस वगैरह डालेंगे और सुबह सुबह ही जाएंगे डिस्पैच करेंगे ताकि अष्टमी तक सबको मिल सके, टाइम पे मिल जाए। और आप लोगों को भी अगर लेना हो, बहुत सारे लोगों ने लास्ट ब्लॉग में बोला है, मगर आप लोग इंस्टा पे नहीं है तो इसका क्या ही हो सकता है, साक्षी बताएगी। इंस्टा पे नहीं है तो इंस्टा पे नहीं है तो आप अपना नंबर शेयर कर देना, व्हाट्सअप कर देंगे हम लोग, व्हाट्सअप कर लेंगे या कॉलिंग कर लेंगे आप अगर अपना नंबर शेयर करेंगे। और अगर इंस्टा पे है तो हमारे पेज को फॉलो करिए और उस पर स्टोरी लगाती है साक्षी, सब कुछ उस पर डिटेल रहता है, कौन सा है कौन सा नहीं है, कौन सा स्टॉक आउट हो गया है, ये सब कुछ रहता है। और ये वाली साड़ी हमने ना कल शो नहीं की थी है ना, बट ये रखा था, मैंने सोचा था दिवाली के आसपास इसको इन वाली वैरायटी को लाएंगे, बट किसी को पसंद आया तो है ना, बहुत अच्छा है, एकदम शिफॉन जैसा कपड़ा है, मक्खन और ही प्यारी प्यारी साड़ियाँ हैं। और ज़्यादातर ना ये वर्क वाली साड़ियाँ, ज़्यादातर वर्क वाली है, ठीक है, सब वर्क वाली। और ये जो साक्षी ने पहना था, सब लेते टाइम मुझे ये लग रहा था ये वाली साड़ी पता नहीं क्या होगा, क्योंकि मुझे पर्सनली लाल पीली बहुत पसंद है, लोगों को पसंद होता है कि नहीं डर ही लगा रहता है ना, मगर ये सबसे ज़्यादा सबको पसंद आया और एक ही बार में ख़त्म, जितनी भी लाई थी सारी। और इसका एक ये लहरिया है, ये एक ग्रीन कलर निकला है और एक येलो, बाकी सब लाल पीली लाल पीली, तो अच्छा लग रहा है बहुत, गिरेगा ये लड़क, हाँ जल्दी जल्दी से हम लोग इसको डिस्पैच करते हैं, एड्रेस वगैरह लिखते हैं और आप लोग बने रहिए हमारे साथ हर ब्लॉग में। और इसके बाद हम लोग लग गए थे सारे पार्सल्स को डिस्पैच करने के लिए, साक्षी यहाँ पर एड्रेस लिख रही थी क्योंकि इंस्टाग्राम पे साक्षी ने ही सारा एड्रेस वगैरह लिया था, तो साक्षी ने कहीं सेव वगैरह किया था या क्या पता नहीं, तो वो लिखते जा रही थी और मैं सब पे लगा के और इसको पैक कर रही थी, यानी डिस्पैच करेंगे टाइम से। आज अगर हमने रात को ये सब कर लिया तो मॉर्निंग में साक्षी चली जाएंगी सारा पार्सल लेके, या फिर हम पार्सल वाले को, कुरियर वाले को यहीं बुला लेंगे, ये भी कर सकते हैं, बट अब हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है क्योंकि आज हो गया मेरे ख्याल से सैटरडे, नहीं फ्राइडे है नाइट में और मॉर्निंग में सैटरडे हो जाएगा, और मेरे ख्याल से 8 को या 9-10 को वो भी है खोइंचा भरना, तो खोइंचा भरने के लिए बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर किया है, तो खोइंचा के टाइम पे पहुंच जाए कम से कम। चलो ब्लाउज़ नहीं सिल पाएगा, या फिर कोई कोई ऐसे होते हैं ना कि खुद भी सिलना आता है तो अपने आप ही भी 2 घंटे में ही ब्लाउज़ तैयार हो जाता है, बल्कि जिसको आता है वो तो 1 घंटे में ही तैयार कर लेता है, तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं आज ये काम बहुत ज़रूरी है कर दें और सबको टाइम से पहुंच जाए। और बहुत सारा प्यार मिला है आप लोगों का, तो उसके लिए सच में मैं बताऊं अब दिल से थैंक यू बोल रही हूँ सबको, बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा प्यार सपोर्ट देने के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पर आप फॉलो भी करिए, ताकि क्या होगा कि हमेशा हम लोग स्टोरी डालते हैं या फिर कोई अपडेट देते हैं ना, तो आप लोगों को भी उसका पता चल जाएगा, या फिर कोई साड़ी आउट ऑफ स्टॉक हो गई है तो भी, क्योंकि यहाँ पर आज मॉर्निंग में मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मैं आपको बताऊँ आज सैटरडे है और हमारी 2 साड़ियाँ स्टॉक आउट हो गई है। हम तो सो गए थे, रात को भी 2-4 ऑर्डर थे, वो सुबह साक्षी ने देखा तो वो अपना उसके लिए लेके गई है फिर से। तो मैं आपको बताऊं, आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पे जुड़े रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सारी जानकारी ना इंस्टाग्राम पे है, यूट्यूब पे इतनी सारी जानकारी और ये फ़ोन नंबर वगैरह नहीं दे सकते हैं, ना आप बात कर सकते हैं वैसे, ना हम फ़ोटो वगैरह दिखा सकते हैं, जो चीज़ चाहिए आपको हम इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे।
तो प्लीज़ आप इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, मधु साक्षी मदर डॉटर के नाम से हमारा चैनल है, हमारा पेज फॉलो कर लीजिए। फॉलो कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। और हुआ क्या मैं आपको बताऊँ, सच में अभी स्टार्टिंग ही किया था तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि हमें लानी थी, तो वो आगे हम मेंटेन करेंगे। यहाँ पर देखिए सारे पार्सल हो गए और रात के करीब बज रहे हैं 1:30। मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया और साक्षी गई हूँ अपना काम ख़त्म करके दूध वगैरह बनाने। कोई बात नहीं। और आप क्या कर रहे हो किचन में इतनी रात को? दूध बना रहे हो सबके लिए? ओके ओके ओके। दूध पी के सोएंगे इसीलिए? भूख लग जाती है ना। हाँ, जगे रहो तो रात को भूख लग जाती है, ये तो है ना। चलो आप दूध बनाओ, हम अपना बैठ के थोड़ा सा देखते हैं मोबाइल। और पता है क्या, काम करते तो अच्छा लगता है, और वैसे भी इतनी रात तक तो हमेशा जगना ही होता है। 12 ऐसे ही बज जाते हैं, बिस्तर पे गए, थोड़ा सा व्हाट्सअप किया, चैट वगैरह हुआ, देखा कमेंट वगैरह पढ़े, तो एक तो बजना ही बजना है। तो आज 1:30 बज गया, कोई बात नहीं, काम तो अच्छा हुआ है ना। और एक लेट किस वजह से हो गया कि एक दो जने ने ना एड्रेस और फ़ोन नंबर नहीं बताया था, और लिखना तो सब कुछ होता है, पेमेंट कर दी, एड्रेस ही नहीं बताया, फ़ोन नंबर नहीं बताया, तो उनसे थोड़ा सा हमारा तालमेल नहीं बन पा रहा था। फिर वो जब ऑनलाइन आए, देखा उन्होंने मैसेज, तो फटाफट किया, इस वजह से भी थोड़ा सा लेट हो गया। और रात को क्या होता है, कोहस हो जाती है ना, तो शांति से काम होता है तो सही लगता है। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लग रहा है हमारा न्यू बिजनेस, और माता रानी की कृपा से सब कुछ अच्छा जा रहा है। और आप लोग इंस्टा पे जुड़िए, बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन हैं, बहुत अच्छे अच्छे, कहते हैं ना कि अलग सा ही कलेक्शन है। जिसको सितारा वगैरह वाला इतना पसंद नहीं है, उनके लिए अच्छा है, अच्छी चीज़ लाई हूँ, अच्छा कलेक्शन रखा हुआ है। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ हर व्लॉग में, और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करिए, जिसकी आईडी है मधु साक्षी मदर डॉटर करके हमारा पेज है, उसको फॉलो भी करिए और सारी चीज़ें देखिए। डेली स्टोरी लगती है, कौन सी क्या लग रही है और क्या हो रहा है, कौन सी साड़ी का ऐड जा रहा है, सब कुछ देखिए आप लोग। और अपने तरफ से कोई सुझाव हो ना तो वो भी दीजिएगा, है ना। थोड़ा बहुत सारी चीज़ें मन में थी कि ये करेंगे वो करेंगे, जैसे अपना एक साड़ी का रैपर होता है, वो सब चीज़ें सब कुछ होगा, धीरे धीरे होगा। अभी ना मतलब नवरात्रों की वजह से मुझे था कि भगवान का नाम लेके बस स्टार्ट कर लिया जाए, और उसके बाद तो ये सब होता ही रहता है। ये है ना, कहते हैं गहना गुड़िया होता है, बाद में सजाने धजाने का चीज़ है, पहले खड़ा कर देते हैं किसी चीज़ को, उसके बाद सजाना धजाना तो चलता रहेगा। तो आप लोग अपने सुझाव भी दीजिएगा। और यहाँ पर पंखा चला लेती हूँ मैं, ये बंद करके ब्लॉगिंग होती है क्योंकि आवाज़ ही नहीं आती है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है सच में, मैं बताऊँ आप लोगों को। और आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया इंस्टाग्राम पे भी और इस पे यूट्यूब पे, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, तो दिल से धन्यवाद कह रही हूँ मैं सभी।